कठोर दिल कैसे हो सकते हैं, मतलब पैर पड़ने की नौबत आ गई है, पूरा परिवार इतना लग गया। अब पूजा क्या करे, उसको काफ़ी टाइम से ऐसा शक हो रहा था कि नरेन बदला बदला सा लग रहा था, और जानबूझकर पता नहीं क्यों जिद पर अड़ गया है कि सारे परिवार को बाहर भेजना है, और वो चाहता है कि पूजा के साथ वो अकेला वक्त बिताए। लेकिन नरेन ऐसा कभी नहीं करते हैं, ना ही किसी के साथ वो इतनी ज़्यादा बदसलूकी करते हैं कि बेमतलब मार दिया या कुछ ऐसे हुआ। और जो उनका मूड है वो कभी तो बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, कभी बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है पूजा को कि ये उनके नरेन नहीं हैं। और इसलिए अब जो है वो अपने गार्ड्स को बुलाती है और पासपोर्ट छीन लेती है सबसे। करना पड़ रहा है लेकिन यही पता लगाने के लिए कि गड़बड़ क्या है। लेकिन जाता है पूरा परिवार अचानक से, कौन से किलोमीटर पे जा रहा है? नरेन बेसिकली अंगराज है, और अंगराज चाहता है कि सबको भेज दिया जाए घर से बाहर, और वही यही सब प्लान है। कौन है कौन है ओ इधर सुनो, ये पार्किंग ऑन करो, मुझे पार्किंग ऑन चाहिए, जो पार्किंग चाहिए हाथी के लिए, बल क्या ना उसका हाँ तो काम करो उसको, नहीं वाले ना पार्किंग चेंज करो, जो पार्किंग चाहिए मुझे। पिकनिक के लिए जा रहे हैं नरेन, ज़बरदस्ती सारे परिवार को भेज रहे हैं, लंदन भेजना चाहते हैं। दादाजी की तबीयत खराब भी हो जाती है, लोग वापस आते हैं, लेकिन फिर भी वो पुश कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि डॉक्टर के साथ चले जाइए, लेकिन आप जाइए, प्लेन की टिकट नहीं है, क्रूज से जाइए, लेकिन जाइए। तो पूजा को कुछ गड़बड़ लग रही है, और वहीं पता करने के लिए पूजा जो है अपनी CM बनने वाली है, वो तो उसका दम उसके दम पर सबके पासपोर्ट्स निकलवा लेती है और सबको मना कर देती है कि कोई कह नहीं जा रहा। लेकिन लास्ट ये पूजा की इतना बेबस जो हो गए नरेन, ये पूजा को पसंद आ रहा है, ये चीज़ अच्छी लग रही है कि इतना बेबस जो हो गए नरेन? कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहे हैं। पूजा को कभी भी नरेन बेबस करना पसंद नहीं है, लेकिन अब कुछ गड़बड़ है, और क्या गड़बड़ है उसे पता लगाने के लिए तो कभी कभी थोड़ा कठोर बनना पड़ता है। थैंक यू।